आपको ये जरूर प्राचीन युगों के हो जगस्तर पर आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को, फिर चलेंगे अपने कैंप नॉर्थ और विश्व योग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में एमानोराशि का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले सूर्यलाइट के प्रकाश संश्लेष के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर की निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ था। इस प्रत्येक विकास से प्लैंकटन, जेलीफिश, स्टारफिश, एवं जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सनसेट की तरह एक अदृश्य सदी पाई जाने साइनोनियस इन काफी प्रभावशाली हो। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती है। जो कि धरती के अंदर कर रहे हैं उनमें पृथ्वी की एक तिहाई हिस्से एक शासन आदेश था जिसे कछुआ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। चुनौतियों से आकाश में प्राचीन संस्कृत समाधि में लगे और जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में छा गए। इसी दिन प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से हर उठी थी। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर गिराने का 6 वर्ष पहले बाहर देश देशों में पंचर होने से ज्वाला इसके बारे में जैसे कि उष्णता बनी थी, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए। एवं बरामद के लिए कील पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही नाम चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आगमन शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आ रहे हैं। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज धर्मधैर्य और घोड़े के पूर्वज योहिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ के चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंग, रोएदार स्तनपाई और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता संभाला। सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई प्रचलन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दांत आगा के हीरा इन सब जानवरों से